हेलो गाइस, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब। ये 3x3 वाला क्यूब है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। ये रूबिक्स क्यूब को आप सोच रहे होंगे कि इसको एक साइड से कर लेते हैं पहले, फिर एक साइड से कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, इसमें हमें एक ही मतलब लेयर बाय लेयर करना होता है। जैसे पहले हमें ये लाइन करनी है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ऐसे मतलब ये एक ही नहीं, ये पूरा राउंड ऐसे, फिर सेकेंड लाइन, ऐसे लेयर बाय लेयर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम लेयर बाय लेयर सॉल्व करेंगे। अभी मैं ही कर रहा हूँ, सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कि सॉल्व करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना भी सिखा दूँगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको एकदम इजी मेथड और स्लो स्लो करूँगा ताकि आप समझ सको, ठीक है? देखिए, हमने ये पहली लाइन बना दी है एक ही कलर की, तो ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक बन गया। अभी हमें सेकंड लाइन बनाए के, दोस्तों हमें ये लाल कलर देख के थोड़ा गुस्से सा आ जाता है, तो इसीलिए नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे हम क्लिक करके ग्रे कर देंगे। तो सब ग्रे कर देना, लाल नहीं रहना चाहिए बस। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, ये सेकंड लाइन भी बन गई, ये दोनों लाइन अभी सेम हो गई है। अभी हम ये ऊपर वाली थर्ड मतलब लास्ट वाली लाइन को बनाना है। ये अभी इसको हम बनाएंगे तो ये ऊपर वाला भी बन जाएगा। इसमें पहले प्लस बनाना होता है, पहली लाइन में भी और आखिरी लाइन में भी, दोनों में। तो देखिए, अभी हमारी ये 2 पीस बाकी है, हम उसको भी सेट कर लेते हैं। उसके लिए पूरा क्यूब बिगाड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो वापस सेट होते जाएगा। तो देखिए गाइस, अभी हमारा क्यूब सॉल्व होने वाला है और ये हो गया। देखिए, ये क्यूब सॉल्व पूरा हो गया है सारी साइड से। तो आपको भी क्यूब सॉल्व करना सीखना है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए, तो मैं दूसरा वीडियो क्यूब सॉल्विंग पे बना दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।